नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। हल्द्वानी में अब कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का कहर बढ़ता जा रहा है। शहर के सुशीला तिवारी अस्पताल में इन दिनों ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। वहीं बढ़ते मामलों से शहर भर में दहशत फैली हुई है। तो क्या है शहर में ब्लैक फंगस के हालात, चलिए आपको भी बताते हैं। हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर, शहर में बढ़ता जा रहा है ब्लैक फंगस का कहर। हर दिन एसटीएच में बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के मामले। अस्पताल में अभी ब्लैक फंगस के 11 मरीज हैं भर्ती। 24 घंटे में ब्लैक फंगस के एक संदिग्ध मरीज की हुई मौत। बीते 24 घंटे में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हो गई मौत। अस्पताल में 25 कोरोना मरीजों की हालत बेहद नाजुक। हल्द्वानी में ब्लैक फंगस से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। शहर के सुशीला तिवारी अस्पताल में अब भी ब्लैक फंगस के 11 मरीज भर्ती हैं, जिनमें 9 पॉजिटिव और 2 संदिग्ध हैं। वहीं बीते 24 घंटे में अस्पताल में भर्ती ब्लैक फंगस के एक संदिग्ध मरीज की मौत भी हुई है। वहीं बीते 24 घंटे में सुशीला तिवारी अस्पताल में 9 मरीजों ने ठीक होकर कोरोना को मात दी है, जबकि पिछले 24 घंटे में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि अस्पताल में 172 पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। इसके अलावा सुशीला तिवारी अस्पताल में अब भी ऑक्सीजन के 265 बेड्स खाली हैं। वहीं सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती 60 मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि अस्पताल में भर्ती 25 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हालत बेहद नाजुक है। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।